कक्षा चार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा चार के अंदर आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी और पर्यावरण में। तो अंग्रेजी के अंदर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है वर्ब। क्या है वर्ब? राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब किसको बोलते हैं? क्रिया को। हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। और उसकी परिभाषा थी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। तो इसको अब इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। तो जो वर्ब जिसकी परिभाषा है द वर्ब इन ए सेंटेंस, द वर्ब इन ए सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। द वर्ब इन ए सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, यानी जो सेंटेंस जो वाक्य, सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। एक्सप्रेसेज किसी चीज को व्यक्त करना, एक्शन क्रिया करना, और बीइंग किसी वस्तु का स्वभाव यानी किसी शब्द का स्वभाव को व्यक्त करता है वह वर्ब कहलाती है। द वी ई आर बी वर्ब आई एन इन ए एस ई एन टी ई एन सी सेंटेंस ई एक्स पी आर ई डबल एस ई एस एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। यानी वर्ब वह सेंटेंस यानी वो वाक्य है जो एक्सप्रेसेस किसी बात को व्यक्त करता है, एक्शन क्रिया करता है, और बीइंग उस शब्द के स्वभाव के प्रति कार्य करता है। जैसे जी ओ गो, जी ओ गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। सी ओ एम ई कम, कम मीन्स क्या होता है? आना। पी एल ए वाई प्ले, प्ले मीन्स खेलना। और डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, राइट मीन्स लिखना। तो ये इन शब्दों से गो, गो मीन्स क्या हो रहा है? आप जा रहे हो, क्रिया हो रही है आपके जाने की। और गो का अर्थ क्या है? जाना। कम, कम मीन्स क्या होता है? आना। क्या होता है? आना। पी एल ए वाई प्ले, प्ले मीन्स खेलना। डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, राइट मीन्स लिखना। तो द वर्ब इन ए सेंटेंस एक्सप्रेसेज एक्शन और बीइंग, जिन शब्दों से किसी का एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, एक्शन क्रिया और बीइंग किसी वस्तु से स्वभाव से संबंधित होता है वह क्या कहलाता है? वर्ब कहलाती है। अब पर्यावरण, पर्यावरण के अंदर आप पढ़ेंगे निम्न पर कुछ पंक्तियां लिखो। ये सबसे पहले हमने लिया है हमारा राष्ट्रीय फल, हमारा राष्ट्रीय फल, उसके ऊपर आपको कुछ पंक्तियां लिखनी है। फिर लिखना हमारा राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु, उसके ऊपर आपको तीन लाइन कुछ वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल है हमारा, हम लिखा राम हमारा राष्ट्रीय फल है। यह स्वाद में बहुत स्वादिष्ट होता है और यह पीला और हरा दोनों रंगों का होता है। आम हमारा राष्ट्रीय फल है, यह स्वाद में बहुत स्वादिष्ट होता है, यह पीला और हरा दोनों रंगों का होता है। फिर दूसरा था हमारा राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु। अब हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। क्या कौन है? बाघ। तो बाघ के बारे में आपको पंक्ति लिखनी है। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, यह शक्ति चुस्ती और ताकत का प्रतीक है, यह शक्ति चुस्ती और ताकत का प्रतीक है। इसे अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, इसे अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो इन दोनों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको याद करना है कि हम राष्ट्रीय फल के बारे में और राष्ट्रीय पशु के बारे में, पर्यावरण का काम पर्यावरण की कॉपी में और इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में आपको करना है और इनको याद करने का अभ्यास करना है।